दो के लिए जो रेमेडीज हम कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, अगर आपका चंद्रमा खराब है, आपको पहननी चाहिए स्फटिक की माला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट अश्विनी गौतम, और अपने आज के इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सभी की डिमांड है कि नंबरों की रेमेडीज भी आपको चाहिए, नंबरों से किस तरह की रेमेडीज हम नंबरों के लिए कर सकते हैं, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ मूलांक दो के लिए जो रेमेडीज हम कर सकते हैं। मूलांक दो के लिए हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं? प्यारे मित्रों, अगर आपका चंद्रमा खराब है, मूलांक दो है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में दो नहीं है, या दो आपकी डेट ऑफ बर्थ में ज़्यादा बार आ रहा है, तो आप ये रेमेडीज जरूर करिए। इससे आपको बहुत सारे रिलीफ मिलेंगे। क्या आपको पहननी चाहिए स्फटिक की माला? स्फटिक की माला पहनिए, उससे दो नंबर का जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं वो खत्म होते हैं और दो नंबर की पॉजिटिविटी आती है, यानी कि चंद्रमा पॉजिटिव होता है आपका। सब्जियों में शलगम, साग, तरबूज और केला, यह आपके लिए मेडिसिन का काम करेगा मूलांक दो वालों। दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोइए, भगवान शिव की पूजा कीजिए, और एक छोटी सी रेमेडी आपको और बताना चाहूंगा। रात को सोते समय एक लोटा पानी का भर के अपने सिराने रख लीजिए, उसको ऊपर से ढकिएगा, और उठकर सुबह किसी भी कांटेदार पौधे में डाल दीजिए। एक तो आपने उसको ढकना नहीं है, लोटे को ऊपर से खुला रहने देना है। दूसरा, यहां पर सुबह उठकर आपको जो डालना है वो कांटेदार पौधे में ही डालना है। यहाँ पर आप पीपल या तुलसी में इसको नहीं चढ़ाएंगे, नीम और कीकर पर चढ़ाएंगे तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा आपको। और इसके अलावा ये पानी आपको रात को पीना नहीं है, इस बात का भी आप खास ख्याल रखिए। इसके अलावा आप अपनी माँ के आशीर्वाद से किसी भी काम की शुरुआत करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छे फल देने वाला है। तो अगर आप मूलांक दो वाले हैं, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में दो नहीं है, या दो ज़्यादा बार है, तो ये रेमेडी ज़रूर करिएगा। इनको करने से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अगले वीडियो में आपको नंबर तीन के बारे में बताते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।